सतीश एक वैसा ब्लॉक खोले तो कुछ ऐसा रोलिंग एंड एंड एक्शन जवाब दीजिए स्क्रीन में बोल रही है एक मुझे स्टेज देने करना चाहिए
वो तो खुदा का शुक्र है। एक्शन। रोलिंग। एक्शन। मैम थोड़ा सा लेट, मैम थोड़ा सा लेट, ये मैम कैमरा रोल ओपन एक्शन। बोल दीजिएगा चुप रहने की, उसका वॉक ले लूंगा। रोलिंग एंड एक्शन। चलो 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 यार, पता क्या, एक बार किसी की हंसी छुट्टी का पांच मिनट बनवा दिए हो, सच्ची बोल रहा हूं। अच्छा डब्बा को हंसी आती है ना तो डब्बा को नीचे कर देती है। चलो ठीक साइलेंस। चलो 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 फुल चलो जल्दी मुझे बताया, पांच मिनट बनवा दूंगे। चलो टेक गुड, तभी मैं कह रहा हूं रोली है। चलो चलो टेक 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 रोल, वही तू मुझे मत देख, तू हर बार मुझे देख रहा है, मत देख रोल। अरे तू देख रहा है मैं हंसी छूट रही हूँ, एक्शन भी नहीं बोला जा रहा रोल। ए मत दो यार, चलो 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 सीरियस सीरियस चल चलो टेक 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 टाइम बहुत बहुत मिस हुए। चलो चलो रोल रोलिंग है, चलो एनर्जी आ गई, चलो फंसने के बाद रोलिंग है एंड रोल। हाँ आप लोगों भी है रोलिंग है एंड एक्शन। हराम कर दिया चिया तुम सबने हमारा, चुप कीजिए। माय यार दिस इज अ वर्ड फॉर ट्रैक। वन मोर
चुप कीजिए। ओ भाई ऊपर क्या कर रहे हैं? इतना हराम कर दिया है हम सबका, चुप कीजिए। शर्म कीजिए रसियापी, शर्म कीजिए आप खुद को। अभी बोलो बोलो। इतना हराम कर दिया है तुम सबने, चुप कीजिए। शर्म कीजिए, खुद को औरत कहती है आप? ऐसी होती है औरतें, ऐसी होती है माए? मेरी इतनी मासूम सी बच्ची को मार डाला जहां आपने? अपनी जुबान पर लगाओ लो जज साहब, मैंने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की है। बार बार और जोर से बोलो ताकि वो सच लगने लगे। नहीं नहीं मैं आपके आगे आया हूँ, ताकि वो बहुत अजीब लगे। आप रोलिंग और तुम्हारी चाल से बोलो अच्छी तरह से बार बार और जोर से बोलो ताकि वो सच हो। वाह देखिए रसिया भी, मुझे चार्ज करना, पीछे लो, बैक। ओके रोल सर, आप बोलेंगे ना बस रसिया, लेट मी टेक अ चार्ज, फिर आप आगे रोल। मैं आपको बोलता रहूंगा, रोलिंग एंड एंड नुजर लेफ्ट आउट, नजमा लेफ्ट आउट, रोलिंग एंड एंड एक्शन। झूठ को बार बार और जोर से बोले ताकि वो सच लगने लगे। वाह बस ओके होल्ड सर, सर के लिए कुशल लगाओ नीचे पहले दो। जवाब दीजिए सख्त के साथ, जवाब दीजिए। आप ही ने फोन करके बताया था ना हमें ये सोया कहां है, कैसे पता चला आपको? जवाब है आपके पास, जवाब होगा भी कैसे?
आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुड़िया में सॉरी यार ओके 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 रोलिंग एंड आप अच्छी तरह एक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम गुड़िया फैक्ट्री के साजिश के राज के बहुत करीब पहुंच गए थे। तो इन्होंने लग याद एक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम गुड़िया फैक्ट्री की साजिश के सबूत के बहुत करीब पहुंच गए थे। तो इन्हें लगा कि आग लगाकर बुझाने वाले लोगों में ये लोग शामिल हो जाएंगे तो इन पर कोई शक नहीं कर पाएगा और इसीलिए उन्होंने मिस फारूकी को अगवा करवाया और खुद ही मुझे फोन करके इस बात की खबर दी। मेरे लगा कि मिस फारूकी को रास्ते से हटाया तो ये लोग तो बेशक बच जाएंगे। कटोगे एक बार बता दो तो इन्होंने सोच लिया कि आग लगाकर बचाने वाले लोगों में ये लोग शामिल हो जाएंगे तो इन पर कोई शक नहीं कर पाएगा और इसीलिए इन्होंने मिस फारूकी को अगवा करवाया और खुद मुझे फोन कर बात की खबर तक दी थी। इन्होंने सोच लिया कि अगर ये लोग इस फारूकी को अपने रास्ते से हटा देंगे तो ये लोग बेशक बच जाएंगे। नहीं मैं क्या कह रहा हूं बेशक बोल रहा बेशक मत ठंड रोल रेडी राकेश। तो उन्होंने सोचा कि मिस फारूकी को रास्ते से अगर हटा रहा वही लाइन है ना मेरी प्रॉपर टर्न ये सोच ये प्रॉपर है साइलेंस ये सोचकर कि मिस फारूकी इनके रास्ते से हट जाएगी तब पर कोई शक नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं कि कल जश्न की बात कहने जा रहे थे कि मैं और मिस फारूकी निकाह करते जा रहे हैं। आप लोग तुम आइए ऑल्सो सर एक हाफ लुक दे देना मुमानी को बिकॉज असद का ये दूसरा सीन है कन्फ्रंटेशन वाला और बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे सीन्स करने में बिकॉज दे एवरीबडी सो स्वीट ऑन द सेट कि
उनकी आंखों में देख के ऐसा एक्सप्रेशन देना, इट्स तब वो एक्टर अंदर का जो एक्टिंग जो होती है वो बाहर आ जाती है और सही मायने में आपको एक्टिंग करनी पड़ती है. तो आई लव सच सीन्स एक्चुअली. मतलब एकदम गुस्से से एकदम तिलमिला उठे थे आप. हां यार, वो गुस्सा मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मर्यादा में भी बहुत गुस्सा किया था मैंने एंड दैट वर्क्ड फॉर मी एज अ कैरेक्टर. और ऐसे हाई वोल्टेज इंटेंसिटी वाले जो सीन्स आते हैं तो उसमें एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल लाइफ में आप ऐसे बिहेव नहीं करते हो. तो इट इज़ डिफरेंट मोड दैट यू शो टू द ऑडियंस दैट ओके यू कैन ऑल्सो डू दिस. सो मज़ा आता है ऐसे करने में. इनफैक्ट सबकी खबर लेने में बहुत मज़ा आता है. लेकिन अचानक मामूजान गिर गए हैं तो कहीं आपके ऊपर ब्लेम ना आ जाए कि आपकी वजह से ऐसा कुछ. आई होप नॉट बिकॉज आजकल बहुत ब्लेम मुझ पर आने लग गया. तो आई थिंक ये ब्लेम शायद ऑडियंस मुझ पर नहीं डालेगी. हम बहुत बहुत फनी यूनिट है हमारी बिकॉज वी ऑलवेज क्रैक अप इन बिटवीन सीन्स. जब भी कुछ भी होता है तो मोहित बहुत हंसता है सेट पे. जोया भी कभी अगर हंसने लगती है तो कभी रुकती नहीं है. तो वो एक लाफिंग गैस टाइप का एक जब कोई हंस पड़ता है तो सब कंटेजियस. इट्स वेरी कंटेजियस. तो सब लोग कंट्रोल नहीं कर पाते यार सेट पे. मतलब बहुत डिफिकल्टी के साथ डायलॉग बोलना पड़ता है फिर बिकॉज कंट्रोलिंग एंड लुकिंग एट ईच अदर व्हाइल यू आर स्माइलिंग एंड लाफिंग. ये हंसाता है. हमने कभी एक्टिंग एक साथ की नहीं है. हमेशा हम दोस्तों में हम एक दूसरे के घर मिलते आए हैं तो गेट टूगेदर्स होते हैं उसमें मुलाकात होती थी हमेशा. और पहली बार मोहित को जब सीरियस एक्सप्रेशन देते हो जब मैं देखता हूँ या वो मुझे देखता है तो बहुत हंसी आती है. ये इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया था जब पता लगा कि राकेश करने वाला है. बोले तो मैंने बोला था हम लोग बहुत हंसने वाले हैं और वो ही हो रहा है. क्या डिजाइन कर रहा है मेरे लिए बता दे अभी. मैं डिजाइन करूँ हैदर असद के लिए एक बैचलर्स पार्टी थ्रो करने वाला है. बहुत मेरे जीजे के लिए. मेरे इसके जीजे के लिए. सबका तो, साला हूँ. सबके सब मेरे साले हैं यहाँ पे ग्रुप पे भी. अभी अक्षय मेरा साला है. अब ये बोल रहा अभी शो में मैं तेरा साला बन गया. सबका तो साला है. तू साला. ओ नहीं मतलब जीजा है. सॉरी सॉरी. पता नहीं यार डिपेंड्स अपने हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो भी देगी हम पहन लेंगे. हम बहुत ओबीडिएंट एक्टर्स हैं. और फीलिंग कुछ मतलब एक्साइटेड है ताजमहल के सामने पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है. पहली बार हम तूने देखा ताज कभी. हाँ मैंने देखा. मैंने नहीं देखा. मैं स्कूल ट्रिप के साथ गया था. नहीं मैंने नहीं देखा. मैं पहली बार देखूंगा ताज. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मॉन्यूमेंट है. सो इट्स आई हैव नेवर सीन एवर ओनली हर्ड इन सीन इन पिक्चर्स. अभी सामने एक्चुअली देखने में बहुत मजा आएगा. और उसके सामने शूट कर रहे हैं मतलब बहुत निकाह करने वाले तो बहुत मजा आने वाला है. तो देखते हैं. बिग वेडिंग बिग फैट इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस फॉर अस राइट. ये तो आना नहीं चाहता था. उसको आउटडोर बहुत खराब लगते हैं. उसको बोलता है उसको ना नहीं मैं घर बैठे हुए. नहीं मैं बेसिकली होटल रूम होते हैं वहाँ पे. तो मैं होटल रूम में बहुत बोर हो जाता हूँ. मुझे बस सैड लगता है. तो मैं बोला उसको ऑब्वियसली शूट है तो मजे करेंगे शूट करेंगे. हाँ फिर भी नो ही इज देयर तो वी विल हैव फन. सनाया को छोड़ने का मन नहीं करता इसका कभी. चलो बाय. चल बाय. चल सी यू देयर इन आगरा.